हेलो गाइस, अगर आपके पास मौजूद है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं सैमसंग S10 प्लस, इसमें कोई भी तस्वीरें देखें मेरे पास मौजूद है। ये वाली तस्वीर मैं जैसे डिलीट करता हूँ, ये रिसाइकल बिन में चली जाती है। जैसे कि मैंने ये तस्वीर डिलीट कर दी, ये रिसाइकल बिन में चली गई है, ये मेरी तस्वीर डिलीट नहीं हुई। बहरहाल हम चाहते हैं भाई ये रिसाइकल बिन है कहाँ, हमने जो तस्वीर डिलीट की है वो रिसाइकल बिन में चली गई है और हमें वो रिसाइकल बिन नहीं मिल रहा। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप वो रिसाइकल बिन कैसे ढूंढ सकते हैं। इजी सा सेटअप है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मोबाइल से सेटिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है मिलती रहेगी। तो दोस्तों सिंपली सा ऐसा मेथड है, यहाँ पर आप देखें आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इस यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके नीचे देखें देखें यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली सा इस पर चल जाना है। अब ये देखिए मैंने जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे डिलीट की हुई हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपकी दोबारा वापस गैलरी में आ जाएँ, तो आपने यहाँ एडिट पे क्लिक करके सिलेक्ट एटम करना है। तो नीचे देखें रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ये रिस्टोर होके आपकी दोबारा से गैलरी में आ जाएगी। बहरहाल आप चाहते हैं ये परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही परमानेंट तौर पर डिलीट हो जाएगी। बहरहाल अगर आप रिसाइकल बिन में कोई भी तस्वीर कर देते हैं, बाद में आप चाहते हैं कि डिलीट ना करूँ, ये रिसाइकल बिन में पड़ी रहे, ये 15 दिन तक आपके मोबाइल के अंदर पड़ी रहेगी, बाद में ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगी। ये देखें अब मैंने ये ऑल डिलीट कर दी, ये ऑल की ऑल तस्वीरें मेरी डिलीट हो गई है। बहरहाल अब ये भी देखें यहाँ पर एक तस्वीर है, मैं ये वाली अब डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट की है, ये रिसाइकल बिन में चली गई है। बहरहाल अब मैं यहाँ से जाके चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर दोबारा इसमें आ गई। अब मैं चाहता हूँ भाई ये वाली तस्वीर दोबारा रिस्टोर हो जाए, तो ये देखें ऐसे यहाँ पर रिस्टोर करेंगे, दोबारा ये परमानेंट तौर पर वहाँ पर आ गई है, डिलीट नहीं हुई। तो व्यूवर्स ये थी सिंपल सी वीडियो, सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और S10 में आप कर सकते हैं, सैमसंग नोट 10 और नोट 10 प्लस में भी आप सेम इस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को व्हाट्सअप एंड फेसबुक पर जल्दी से शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में कोई अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।